पानी। तुम कौन हो? वैसे मैं तुम्हारी जगह होता तो इतनी जल्दी हार नहीं मानता। हार क्या नहीं मानता, पिछले 5-6 घंटे से पानी ढूंढ रहा हूँ, इस जगह में कहीं पानी नहीं है। और तुम? ये कहाँ गया? ये साला हो क्या रहा है? वैसे मैं होता तो आसपास के घरों में पानी ज़रूर ढूंढता, लेकिन यहाँ कोई घर भी है? दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। अब तुम ही बताओ। ओ भाई भाई, तुम फिर आ गए? रो मत, आओ मैं बताता हूँ तुम्हें कौन सा। वो देखो वहां है पानी। पानी क्या इतने से पानी से तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? एक काम करो, ये पानी उस हैंडपंप में डाल दो, फिर उसमें से बहुत सारा पानी आएगा, मेरा विश्वास करो। थोड़ा सा ही पानी बचा है, डाल दूं क्या? ना इसमें पानी बचा ना इसमें पानी आ रहा है, कहाँ आया पानी? अरे सुनो,
बोतल भर के तो जाओ, कल को तुम्हारी तरह कोई और प्यासा आया तो उसके लिए पानी बचा होना चाहिए ना। मतलब? मतलब यही कि बोतल में पानी था, तुमने हैंडपम्प में डाला तो और पानी आया, कल को कोई और आएगा तो उसके लिए तो बोतल में पानी भर के जाओ। ओ हाँ, काश कोई मेरे लिए भी पानी भर के गया होता, ना मैं प्यासा मरता और ना यहाँ भटक रहा होता। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरे लिए कोई बोतल में पानी भर के ना गया होता तो आज मैं जिंदा ना बच पाता। शायद उसका मकसद ये समझाना था कि अपने बाद में आने वाले लोगों के लिए पानी बच सके, ताकि लोगों को बचाया जा सके। अगर अपनी पीढ़ी को बचाना है तो पहले पानी बचाएं। सेव वाटर सेव लाइव्स।